निज्जर कतल केस विच भारत की सख्ती तो बाद कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का रवैया ढीला पै रहा है। वह लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि वह भारत नाल किसी तरह का तनाव नहीं चाहते ने, वह इस मुद्दे पर भारत का समर्थन चाहते ने अते इस नाल उसारू संबंध जारी रखना चाहते ने, पर अमरीका इस पूरे मामले पर तिखी नज़र रख रहा है। वह लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं अते जांच विच भारत तो सहयोग की अपील कर रहा है। सो दरअसल जदों तो कैनेडा ने भारत पर दोष लगाए ने उदों तो ही अमरीका इस मामले पर बयान दे रहा है। इस दौरान व्हाइट हाउस ने फिर कहा है कि निज्जर कतलेआम दे विच भारत की शमूलियत बारे कैनेडा के दोष गंभीर ने अते इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए है। अमरीकी विदेशी विभाग के उप बुलारे वेदांत पटेल ने मीडिया ने गलबात की अते कहा है कि सब तो जरूरी गल यह है कि इस मामले की जाँच अगे वधे अते दोषियों नूं न्याय दे कटहरे विच लिआंदा जावे। असी भारत सरकार नूं इस जाँच विच सहयोग करन दी बेनती की है। सो दस देना चाहांगे कि इस साल 18 जून नूं कैनेडा दे ब्रिटिश कोलंबिया विच हरदीप सिंह निज्जर की गोलियां मार के हत्या कर दी गई सी। 2020 विच भारत ने निज्जर नूं अतवादी घोषित किया सी। 18 सितंबर नूं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत ते इसका दोष लगाया सी। पीएम ट्रूडो ने कैनेडा की संसद विच कहा सी कि निज्जर दे कतल पिछे भारत का हाथ हो सकता है। ट्रूडो के इस बयान तो बाद दोवां देशों विचाले तनाव वध गया। भारत ते कैनेडा के संबंधों में खटास आ गई है। भारत की सख्ती तो बाद कनेडियन पीएम का रवैया हौली हौली नरम होना शुरू हो गया अते कई मौकों पर उन्हें कहा है कि उन्होंने जांच विच भारत तो सहयोग की मांग की है। भारत ने यह भी कहा है कि जेकर कैनेडा इस संबंधी कोई ठोस सबूत पेश करता है तो भारत इस पर विचार करने लिए तैयार है। तुहानू दसना चाहांगे कि पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमरीकी NSA जैक सुलिवन विचकार मुलाकात हुई सी। उत्थे ही इस मुद्दे पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारी जॉन किरबी ने कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दोवां देशों नूं इस मुद्दे नूं अपने पद्धर से हल करना चाहिए है, पर यह दोष गंभीर ने अते इन्हां दी डूंघाई नाल जांच होनी चाहिए है। जिवें कि असीं पहलां कहा है कि असीं भारत नूं उस जांच विच सहयोग करन दी अपील करदे हां।